नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। एक तरफ चिराग पासवान के जीजाजी बैठक कर रहे थे तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज उनका पुतला दहन कर रहा था। जी हां, चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती पानी की किल्लतों को लेकर जो जमुई में इस वक्त हो रही है उसको लेकर वहां की डीएम के साथ बैठक कर रहे थे, तो वहीं पर बाहर में उनका पुतला दहन किया जा रहा था, जमकर हंगामा हो रहा था, खूब बवाल हो रहा था, जिसकी तस्वीर भी अब निकल कर सामने आ रही है। जी हां, जब से जमुई में सांसद बने हैं तब से लगातार जमुई का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर वो अनदेख कर रहे हैं। एक तरफ बैठक का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हुई है, तो वहीं पर जो आदिवासी समाज 12 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सुनने को न सरकार तैयार है और न ही अरुण भारती। अब इसको लेकर आदिवासी समाज जो है वो अरुण भारती का पुतला दहन करके अरुण भारती पर और साथ ही साथ जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे में आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अरुण भारती का पुतला दहन हो रहा है, तो वहीं पर अरुण भारती सब कुछ देखते हुए भी वहां पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। खूब बवाल इस वक्त जमुई में हो रहा है। वैसे में जमुई की डीएम क्या कुछ कह रही है पूरे मामले को लेकर, आप पहले उन्हें सुनिए फिर आपको हम बताते हैं विस्तार से। लगातार हम लोग सवाल कर रहे हैं, क्या किस तरह से इसका सलूशन निकाल सकते हैं, किस तरह से जम्मू वासियों को राहत प्रदान कर सकते हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है लगातार। जो इसका कुछ कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है, जो पदाधिकारी दोषी पाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी आने वाले समय में। अरुण भारती जी और मैं यहाँ पर चाहते हैं कि जम्मू जिला की जो चौमुखी विकास की धारा बह रही थी उसको आगे लेकर चले। जो यहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं हैं और जो बड़े बड़े संरचनाओं का काम उसको हम लोग तेजी गति से आगे लेकर चलते हैं। एमएलए साहिबा, कई ऐसी संकट आने वाले भविष्य में जो जल संकट है, क्योंकि बालुआ को उठा बहुत गहराई से हुआ है, अच्छी तरह जानती है, तो क्या कुछ एक्शन लेंगे? देखिए, जो बालू उठाव की आप बात कर रहे हैं, लगातार चाहे वो यहाँ के सांसद हो या डीएम हो या मैं स्वयं हूँ, हम लोग अवैध खनन के खिलाफ हैं। डीएम साहब ने भी अनेकों जगह जाके खुद से ऑन साइट ऑन स्पॉट किया, विजिट किया है, और साथ ही साथ जो एक्शन लेना है, जिन लोगों के ऊपर चालान करना है, जिन लोगों को बैन करना है, हम लोगों ने वो सारा काम करने का काम किया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये अवैध खनन हो रहा है, और मैं निश्चित रूप से वादा करती हूँ कि आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र चलेगा और जब पार्लियामेंट का सत्र चलेगा तो वहां पर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, और जो दोषित पदाधिकारी है, जो दोषित कॉन्ट्रैक्टर है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अस्पतालों में भी कुछ समस्याएं आ रही है जी। अभी हम लोग, क्योंकि आप लोग इस मीटिंग के बीच में आए हैं, अभी दिशा की बैठक लंबी चलती है, सब आप लोग हमारे भाई हैं, ये लोग जानते हैं। अभी हम लोग अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचे नहीं है, अभी कुछ और मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा चल रही है। मैडम, दिशा की बैठक में जितने निर्णय लिए जाएंगे, क्या कुछ सारे निर्णय जमीन पे उतरेंगे या फिर आधे रास्ते में? देखिए, हम लोग यहाँ पर तमाम, मेरे साथ सिकंदरा के माननीय विधायक भी उपस्थित है, अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित है। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, वो सब धरातल पर उतर, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है और हम सभी लोग सेवा भाव से आज जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, और हम चाहते हैं कि जमुई जिला के, जमुई के वासियों के लोगों के लिए अच्छा काम करके दिखा सके, एक उदाहरण के रूप में, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सके। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जितने भी निर्णय आज लिए गए हैं, जितनी भी समस्याओं का समाधान आज निकाला गया है, वो धरातल पर जल्द से जल्द उतरे। जी हाँ, तो आपने श्रेयसी सिंह को सुना, पानी की किल्लतों को लेकर जो बैठक हो रही है उसमें तमाम मुद्दों पर बात तो हो रही है, लेकिन दिक्कतों का जो सामना है वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। आदिवासी समाज जो है 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन लगातार 12 दिन से चल रहा है, लेकिन वहाँ पर न प्रशासन उनकी सुनने को तैयार है और न ही वहाँ के सांसद। वैसे में चिराग पासवान ने बड़ा वादा किया था कि जमुई को 2-2 सांसद मिल रहे हैं, यानी कि एक उनके जीजाजी और एक खुद चिराग पासवान। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री तो बन गए, लेकिन उनके ही
पहले के संसदीय क्षेत्र में हंगामा हो रहा है, उनके जीजाजी अरुण भारती का पुतला दहन हो रहा है और ये सब कुछ जमुई में इस वक्त हो रहा है। तीन सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी समाज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं और बवाल का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।